आई बंक टू सी फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी वाइल इन स्कूल. आई वेंट एंड सॉ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच इन 1978 टेस्ट मैच फर्स्ट डे. टिकट खरीद के पूरी रात लाइन में खड़े होके पूरा दिन बंक करके पूरा मैच मैंने देखा है. ठीक है. आराम से इस ऐसा आपने बोला तो मैं एक मस्त सुना देता हूँ सर. एक बार क्या हुआ कि आरआईएमसी में बेसिकली क्या होता है कि आपके पेरेंट्स कॉल नहीं करते, क्योंकि कोई भी मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी ऐसे स्कूल में पेरेंट्स नहीं कॉल करते, वो आपको वहीं पे रगड़ा देके वहीं पे खत्म कर देते हैं. हाँ बिल्कुल. बट सर हम वो लड़के जिसका पेरेंट्स कॉल हो गया था, सोच लीजिए कितना इनडिसिप्लिन होंगे हम, पर कितने पंगेबाज होंगे. और सर मेरा इंसिडेंट क्या हुआ था, वैसे तो पंगेबाज था ही मैं, उसमें बहुत दिक्कत हो रहा था, तो उसमें तो छोड़ देते थे मुझे, रगड़ा देके छोड़ देते थे, बोल देते थे कि यार तू सुधरेगा नहीं, वो मान जाते हैं कि ठीक है ये सुधरेगा नहीं. बट एक बार क्या हुआ, सो देयर वाज दिस एजुकेशन का एक ऑफिसर था सर. तो हम लोगों का सर थोड़ा एटीट्यूड खराब होता है ना, मतलब वी थिंक एजुकेशन ऑफिसर है तो थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, हाँ विच इज रॉन्ग, एग्जैक्टली. हाँ हम सोचते हैं विच मास्टर इज जी रॉन्ग. है. बट हाँ फिर हम उनको थोड़ा मतलब लाइटली ले लेते, हम सोचते अरे ठीक है ना यार छोड़ना यार क्या, तो ऐसा वाला एटीट्यूड है. सो देयर वॉज दिस एजुकेशन ऑफिसर. मैं क्या किया, मेरे पास पर्ची वर्ची नहीं था और मैं 12th में था, तो 12th में गेट वाला जनरली रोकता नहीं था, तो मैं कॉन्फिडेंटली अपने सिविल ड्रेस में ही बाहर जा रहा था. तो ये जो ऑफिसर था ये आ गया और इसने मुझे बोला कि अच्छा तुम अभी अभी तो क्लासेस चल रहा है, तुम बाहर कैसे जा रहा है. तो मैंने बोला नहीं सर मेरे को एक्चुअली कुछ काम था, मैंने ऐसे ऐसे पूछा है, परमिशन लिया. तो बोलते परमिशन लिया पर्ची दिखाओ. अब पर्ची मेरे पास था नहीं, तो बोलता है यू डोंट हैव पर्ची सो यू गो बैक, आप क्लास जाके चेंज करके क्लास अटेंड करो. तो मैंने बोला ठीक है. अब मेरे को लगा कि यार सर उस टाइम में मुश्किल से मैंने, हमारा ना एक बैंक स्टेटमेंट होता था, बैंक का एक पर्ची आता था, वो बैंक पर्ची भरता था स्कूल में, सेक्शन मास्टर जो होता था, जो हाउस मास्टर होता था, वो साइन करता था, तो जाके 100-150 रुपए निकाल पाते थे. अब मैंने वैसे 150 रुपए निकाल के 70 रुपए का मैं बेलकनी में टिकट बुक करा के आया और सोचा कि बाकी का मेरा जाने आने का और कुछ पॉपकॉर्न चिप्स खा लेंगे. तो मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, आई थिंक मैं हूं ना या रंग दे बसंती में से कोई एक था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वन ऑफ द मूवीज. तो मैंने आई थिंक रंग दे बसंती था. तो मैंने बोला कि यार मुझे तो देखना है, अब मैं क्या करूं. तो मैं वो तो चला गया. अब मैंने क्या किया, तो यहां से 1.5-2 किलोमीटर जाके आप राइट साइड में चलते रहोगे तो 1.5-2 किलोमीटर जाके एक गेट आता है. तो आप अगर उस गेट से, वो गेट बंद रहता है और वो गेट में कोई गेटमैन नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, उसको कूद के आप जाना होता है बेसिकली, बहुत बड़ा गेट है, कूद के जाओ. तो मैं वहां पहुंचा और उस गेट से कूदा, कूद के जस्ट मैं रास्ते से चल रहा था, अचानक वो गाड़ी में आ गया, वो लौट रहा था कुछ सामान खरीद के फिर से, और गाड़ी उसकी मेरे सामने थी और उसने मुझे पकड़ के बोला अगेन यू आर आउटसाइड, ऐसे करके बहुत सुनाया और मुझे बोला मीट मी इन द इवनिंग, ठीक है, और करके मुझे बोला नाउ यू गो बैक एंड अटेंड क्लास एंड टुडे इवनिंग यू मीट मी आई विल टेल कमांडेंट या जो भी है, ऐसे करके बोला. ये एजुकेशन ऑफिसर वाले थोड़ा पुटअप वुटअप भी मार देते थे, मतलब तो उन्होंने बोला कि आई विल टेल. अब मैंने सोचा यार ये कमांडेंट को बोल देगा, पंगा तो हो ही चुका है, अब ऊपर से मतलब शाम को बुला ही लिया है, तब रगड़ा लगेगा ही, तो अब तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता क्लास, अब तो मेरा मतलब सर्टेन हो गया ना कि मेरे को पनिशमेंट मिलेगा ही, तो अब तो मुझे मूवी जाना ही है. तो मैंने सोचा कि यार क्या करें. तो मैंने क्या किया, मैं वापस कूदा, उसका वेट किया और फिर जब वो आरआईएमसी की तरफ आ गया तो मैं कूद के मैं चला गया और मैं किसी तरह पहुंचा. तो मेरा शो 1.5-2 घंटा बाद था, तो मैं पहले थोड़ा एक जगह था आनंदपुरी करके, देहरादून में लोगों को पता होगा, वहाँ छोले भटूरे तो 30 रुपए का प्लेट आता था, तो छोले भटूरे खाए, खा के मैंने लंच वंच करके मैंने बोला चलो अब देखते हैं शो दोपहर का. फर्स्ट डे सेकंड शो था, फर्स्ट शो हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि 9 बजे का होता है और 12 बजे का शो देख रहा था. तो मैं घुसा मूवी मस्त एंजॉय करके, इंटरवल में मेरे पास कुछ 15-20 रुपए एक्स्ट्रा थे, तो मैंने सोचा यार एक कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, कोल्ड ड्रिंक चिप्स लेने आया सर बाहर. कोल्ड ड्रिंक चिप्स वाले को ऑर्डर करने के बगल में से वो अफसर आके वो पॉपकॉर्न ले रहा है. बॉय गॉड, वही सेम अफसर, बस मुझे देखा, देख के उसने मुझे हॉल में कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, वो वापस चला गया. वापस जाके एकेडमी में जब तक मैं पहुंचा तब तक आग लग चुकी थी. वेरी रुद्राशीष मजूमदार, बॉय गॉड, मेरे को
रात भर दिन भर अगले 4 दिन तक तो रगड़ा लगाया ही लगाया। उसके बाद फिर मेरे अलग से पापा को बुलाया, मेरे पेरेंट्स आए। और सर सबसे अच्छी बात जो मैं बताता हूँ कि ये चीज लोगों को, मतलब मैं चाहता हूँ कि इनफैक्ट पेरेंट्स भी ऐसे होने चाहिए, मेरे पापा आए। मेरे पापा कभी, मतलब मेरे पापा जनरली क्या है कि इफ यू हैव नॉट डन समथिंग क्रिमिनल, मतलब कुछ ना कुछ आपका इंटेंशन खराब वाला चीज अगर नहीं किया है और ऐसे हरकतें किए पंगा लेने वाले कूद के जाने वाले, तो ही इज लाइक ठीक है यार कर सकता है। तो मेरे पापा आए देहरादून, तो देहरादून में आने के बाद मेरे पापा को जब बोला तो मेरे पापा के एक फ्रेंड भी आए और मेरी सिस्टर आई, तो वो तीनों आए। तो मैंने देखा मेरे पापा बहुत सीरियस, तो मैंने बोला यार मेरे पापा तो जनरली सीरियस होते नहीं है, इसका मतलब मैटर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया मैंने, तो मैं भी थोड़ा सीरियस हो गया। तो मेरे पापा सीरियसली कमांडेंट के पास गए, तो कमांडेंट ने भी उनको बोला, बोला कमांडेंट, अब कर्नल थे, उन्होंने कुछ गंदा नहीं बोला, बोला कि यार ठीक है अच्छा बंदा है, आई अंडरस्टैंड, होता है होता है। ही डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग एंड ही सेड कि बस थोड़ा सा आप इसको वो कर दिए। तो मेरे पापा ने बोला कि सर एक्चुअली आप मुझे इसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, आई विल काउंसिल हिम एंड आई विल सेंड हिम बैक। तो मेरे पापा खतरनाक सीरियस होके बाहर आए। तो मेरे पापा जैसे सीरियस होके बाहर आए ना, तो उनके फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड, उनके बचपन के फ्रेंड, उनके स्कूल फ्रेंड थे, एंड ही इज अ लॉयर इन कोलकाता हाई कोर्ट। तो उन्होंने पापा को बोला अबे तू इतना सीरियस क्या हुआ हो रहा है बे, तू खुद तो इतना इनडिसिप्लिन था, तू इसको क्या इतना सीरियसली बोल रहा है, तेरा ही बेटा है तो तेरे से एक स्टेप आगे ही होगा। तो मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, मेरे पापा ने बोला यार अभी नहीं रुक बाहर चलते हैं। तो हम लोग गेट के बाहर जैसे निकले तो मेरे पापा ने तुरंत, गाड़ी में थे हम, गाड़ी में लेके मेरे को सामान वामान बोला, पहले बोला तू सामान वामान 2 दिन का पैक कर ले, ठंड के कपड़े ले ले। बाहर निकलते ही उन्होंने पता क्या बोला, ऐसा करते हैं होटल चलते हैं सामान लेते हैं, 2 दिन की छुट्टी मसूरी में। सर मैं 2 दिन का छुट्टी गया मसूरी में, मस्त मसूरी में छुट्टी काटा, वीडियो गेम खेल रहा हूँ, बहुत मजा आया। और फिर पापा ने एक ही चीज बोला, देख यार कर, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़े मत जा एटलीस्ट, ठीक है कर पंगे ले, तेरा उम्र है करने का ये सब, बट पकड़े मत जा, एटलीस्ट बी स्मार्ट इनफ टू नॉट गेट कॉट। बी स्मार्ट इनफ नॉट टू गेट कॉट। सर आई थिंक यू शुड ऑल्सो हैव पेरेंट्स लाइक दिस, की मतलब यू नो यू शुड हैव दैट, की ठीक है यार वो इस चीज को करते हैं कि चलो यार बच्चा इस उम्र में करेगा। तो सर फिर तो मैं मतलब देन आई, उसके बाद मैंने अपना गेम एक स्टेप ऊपर कर दी, और फिर तो एनडीए में मैं, मेरे को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, पूरे 11 स्क्वाडन के 15 स्क्वाडन के लोग रुद्राशीष मजुमदार को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो मतलब हैड एन अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट, आई लव द स्टोरी कि मतलब उसने, मतलब इतनी तुम्हारी 3 times एंड येट यू वेट। इससे एक चीज जाहिर होती है, इससे एक चीज जाहिर होती है, यंग बच्चे एसआरटी में कहीं या कुछ है कि जो मिशन है ना, ऑब्जेक्टिव, वो जरूर अचीव करना है। यस सर, यस, तुम्हारा मिशन था पिक्चर, तुम्हारा मिशन था पिक्चर जाना, ठीक है, वो तुमने अकॉम्प्लिश किया, तो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इज देयर। Correct sir, correct, and this shows a lot of courage sir. Yeah, it is courage. आधे लोग डर जाएंगे कि यार ऑफिसर ने बुला लिया, अभी मुझे रगड़ा लगने वाला है। It is courage. बिल्कुल courage, absolutely. Matter of courage and boldness. हाँ, बाकी disobedience of order वाला हम discuss नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत हो जाता।